प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्विंग। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट कोई भी रहेगा आपको बोलेगा सिद्ध करना है ये 3 + 2√5 कोई भी अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट उसका अपोजिट हमें क्या मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर ए बाई बी लेंगे। ठीक है, ए बी परिमेय के रूप में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां b नॉट इज इक्वल टू 0, यानी b आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्विंग करेंगे इसको, इसलिए उदाहरण भेजेंगे 2√5 बराबर a बाई बी, 3 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम एलसीएम ले, नीचे 1 कर दीजिए, एलसीएम ले, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और बी का बी से डिवाइड करेगा, बी कट जाएगा तो बचेगा ए, और इधर 1 का बी में होगा तो कितना हो जाएगा, 3b। ठीक है, 3b हो जाएगा, और इधर ये 2√5 है, इस 2 का इसमें डिवाइड होगा √5 ए माइनस 3b बाई बी। ठीक है, डिवाइड हो रहा है किसका, 2 का। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा ये a माइनस 3b बाई 2b। ठीक है, इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब चेंज जाता है, रेसिप्रोकल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये √5 बराबर आपका ये प्राप्त होता है, जहां जहां a और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही आपका आंसर होगा।